हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट सेकंड मैं आज आप लोगों से दो इंटीजर के एचसीएफ, जिसके बारे में मैंने लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत उस पर बात करने जा रहा हूँ। और उसको एक लीनियर, वो उस एचसीएफ को उन दो नंबर के लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखी है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? इसका जो भी एचसीएफ आएगा, व्हाटएवर जो भी एचसीएफ आए, उसको हमें 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी इस तरह के फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट करें, फिर हम कैसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए करेंगे। आइए सॉल्यूशन, 81 इज लेसर देन 237। 81 237 से क्या है, छोटा है। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लें, और आप अच्छे से जानते हैं इस केस में 81 डिवाइजर होगा और 237 जो होगा वो आपका डिविडेंड होगा। कितनी बार जाएगा आप देख सकते हैं, 2 टाइम्स जा रहा है, कितना हो जाएगा 162। कितना बचा 5 और ये 7, 75। अब आपको मैंने बताया था ये 81 यहाँ उतर आएगा, डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स 81 माइनस करेंगे 6 बचा। अब क्या करेंगे, ये 75 यहाँ पे उतर आएगा, ये अब आपका नया डिविडेंड हो गया, कितने बार 12 टाइम्स माइनस करेंगे 3 आया। अब ये आपका नया डिविडेंड हो गया, ये आ जाएगा 6, 3 टू जा 6, 6 माइनस 6 0। सिंस अब रिमाइंडर 0 हो चुका है, 0 आ गया रिमाइंडर, अब इसका मतलब ये जो 3 है डिवाइजर, ये जो लास्ट डिवाइजर है यही एचसीएफ है। तो 3 इज एचसीएफ ऑफ किसका किसका, आप ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था आपको, जो डिवाइजर और डिविडेंड है 6 3, और कौन कौन डिवाइजर डिविडेंड है आप देख सकते हैं 75 और 6, और कौन कौन है 81 एंड 75, और कौन कौन है 81 और 237, इनका एचसीएफ 3 है। अब आइए हम कैसे इसे लीनियर एक्सप्रेशन में लिखेंगे, ये इन दोनों नंबर के 81 और 237 के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे। बहुत ईजी है, अगर आराम से आप करेंगे तो बहुत ही ईजी है। आइए जरा ध्यान दीजिए, 3 को जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इस चीज़ को एक तरीके से यहाँ पे भी लिख रहे हैं, 237 इज व्हाट 81 इंटू 2 प्लस 75, 81 इंटू 2 प्लस 75, फिर 81 क्या है 75 इंटू 1 प्लस 6, 81 क्या है 75 इंटू 1 प्लस 6, अब 75 क्या है जरा ध्यान से देखिए 6 इंटू 12 प्लस 3, फिर आ जाइए 3 क्या है, 3 आप देख सकते हैं जो 6 क्या है, 6 है आपका 2 इंटू 3 प्लस 0,
गया इस थ्री पे आइए, थ्री को हम लोग लिख सकते हैं 75 माइनस 6 इंटू 12, 6 इंटू 12, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान दीजिए 75 माइनस 6 इंटू 12 करें तो 3 आएगा, तो 3 इज 75 माइनस 6 इंटू 12, क्लियर। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका ये 6 है, ठीक है, और इस 6 को अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 81 माइनस 75, 81 माइनस 75 6 को लिखिए इंटू 12, इंटू 12, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 75 माइनस 81 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12। अब देखिए 75 एक टाइम यहाँ पे है और 12 टाइम्स यहाँ पे है, टोटल कितने टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स, 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12, क्लियर। अब जो ध्यान से देखिए 75 को यहाँ से ध्यान से देखिए 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 237 माइनस 81 इंटू 2, देख लीजिए 75 क्या हो जाएगा, 237 माइनस 81 इंटू 2, और ये तो 75 है, इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12, आइए मल्टीप्लाई कीजिए, 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 13 टू जा 26 माइनस 81 इंटू 12, 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू ये 38 हो गया, 81 माइनस 81 कॉमन निकाल लीजिए, 26 प्लस 12 38। अब यही चीज है आपका, इस 13 को आप x लिख लीजिए और माइनस 38 को, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इंटू 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38। अब इसी चीज को आप ये लिख लीजिए, 237 इंटू एक्स प्लस 81 इंटू वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज 13 और वाई इज व्हाट, माइनस 38। यहाँ पे 237 एक्स प्लस 81 वाई, यहाँ पे मैंने जो 81x प्लस 237y, ये तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने 237x इसको कर दिया है, 81y इसको कर दिया, आप एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही रहेगी। ये तरीका होता है कि कैसे हम HCF को उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237। ये हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF लिखा निकाला कि HCF आया 3, ठीक है। अब उसको हमने इन्हीं दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करके आपको बता दिया कैसे एक्सप्रेस होगा, होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। आप किन्हीं दो नंबर को सेलेक्ट करें, उनका HCF निकालें और फिर उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने लिखने को बताया है वैसे करें, कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जरूर खुद से ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट, टिल देन गुड बाय।